देखिए, ये जो बेटी इनिशिएटिव है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्चुअली दुख की बात है कि हमारे देश में जहाँ पे औरतों को हम देवी का रूप देते हैं, जहाँ जहाँ पे उनको पूजा जाता है, वहीं पे दूसरी तरफ रेप के केसेस आते हैं, मर्डर के केसेस आते हैं, जहाँ पे लड़की को मारा जाता है। तो ऐसे इनिशिएटिव होने बहुत ज़रूरी है, और हम सारे एक्टर्स जब मिलके ये सारे काम करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बहुत लोगों के दिमाग में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कॉज होते रहने चाहिए और हम लोग हमेशा सपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपके साथ और भी काफ़ी लोग थे, एक ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे सारे पुराने एक्टर्स, नए एक्टर्स और सारे एक्टर्स मिलके एक तो मिलना हो जाता है, और जब एक कॉज के लिए आप सब मिलके जब आते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है कि हम सब एक साथ हो जाते हैं। देखिए, रनिंग अभी 17 अप्रैल को मिस्टर एक्स रिलीज हो रहा है, वहाँ पे मेरा एक गाना है जो बहुत सारे फैंस इंतजार कर रहे थे। तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स रिलीज होने जा रहा है, हम सभी एक्साइटेड हैं फिल्म को लेके, और बहुत सारे फैंस जो मुझे मिस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक गाने में मुझे देख सकते हैं। आप हमेशा किसी न किसी काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, एनिमल्स का हो उनका टाइम कैसे निकलता? देखिए, एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पे आपको आप जहाँ पे ये पे जानते हैं कि बहुत सारे फैंस आपको फॉलो करते हैं, जब आप कुछ ऐसे कॉज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे कॉज के लिए हम आगे बढ़ें, और हमेशा मैं आगे रहूँगा। थैंक यू।